शहर की यार्ड सोसाइटी ब्लड डोनेशन के लिए लगातार प्रयास करती हुई देखी जा रही है। वहीं यार्ड सोसाइटी ने एक बार फिर से अनूठी पहल करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें शामिल होकर युवाओं ने ब्लड डोनेट करते हुए आगे भी इसी तरह से ब्लड डोनेट करने का संकल्प लिया। सोमवार की सुबह शहर के युवाओं का हुजूम पलासिया स्थित सेल्फी पॉइंट पर पहुंचा, जहां यार्स सोसाइटी की ओर से आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होकर युवाओं ने बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेट किया। इस दौरान ब्लड डोनेशन के अनूठे आयोजन में एमपी न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा, कॉमेडियन रंजीत भिया इंदौरी, मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक नीमा और ट्रेनर अजय रावत समेत तमाम शहरवासी भी शामिल हुए। लेकिन जब बच्चों से मिला मैं, इनकी भावना देखी और इनका कार्य करने का तरीका देखा, बिल्कुल जज्बे वाले लड़के हैं कि काम करने में डट के आगे रहते हैं लेकिन नेतृत्व करने में सबके पीछे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दादा, अगर आप हमारे इस ग्रुप का एक स्तंभ बन जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने देखा कि बच्चों की भावना बिल्कुल साफ सुथरी है और मैंने इनके साथ में जुड़ा और समय पर देखा कि भाई ब्लड डोनेशन के अलावा फूड डोनेशन और कपड़े बांटना, गरीबों की सहायता करना, तो इस तरह के भी कार्य करते आ रहे हैं। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा पब्लिक के लिए कि हम लोग हमेशा जब भी हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई घर का मेंबर बीमार होता है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग ब्लड ढूंढने के लिए जाते हैं और उन लोगों का कॉल भी हम लोगों के पास में आता है कि दादा ब्लड चाहिए, फलाना पॉजिटिव ये वो। एक ही सवाल रहता है उनसे मेरा कि दादा तुमने कभी ब्लड डोनेशन किया है किसी के लिए? 99.9% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद ने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया, लेकिन समय आता है और वो ब्लड के लिए भटकते हैं। तो आज के दिन जो युवा पीढ़ी है वो रोमांटिक तरीके से त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन हम लोग यानी कि यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप ने इस दिन को 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के पता नहीं कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन कैंप में बतौर अतिथि शामिल हुए एमपी न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने युवाओं को खास संदेश देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति को अपनाइए और गुलाब दान पर न जाते हुए रक्तदान पर जाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर यार सोसाइटी को और रंजीत भैया को, जिन्होंने मुझे जो है यहाँ आने का एक गोल्डन अवसर, एक सुनहरा मौका मुझे दिया। आमतौर पर हम टेलीविजन के पत्रकार हैं, समाज के हर पहलू, हर आयाम को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा यहाँ जानकर कि यार्स सोसाइटी जो है वो चार मित्रों ने जो है शुरू की। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसा कि मैडम ने भी कहा और रंजीत भैया भी यहाँ आकर कह के गए कि आज 14 फरवरी का दिन है, वैलेंटाइन डे है, जो कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति में जिसका बहुत महत्व माना है। लेकिन बतौर एक इंसान, बतौर एक पत्रकार, मैं मानता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति हमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने की एक सीख देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति इस दिन को, जैसे कहा जाता है पाश्चात्य संस्कृति में कि 14 फरवरी को आप गुलाब दान कीजिए, लेकिन यहाँ पर भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम रक्तदान करें। तो ना गुलाब दान पर जाना है, हमें रक्तदान पर जाना है और अपनी ही संस्कृति, अपने ही संस्कारों को अपनाना है। तो बड़ी बात है कि इतने सारे नौजवान, इतने सारे युवा यहाँ जुटे हैं और लाल रंग में यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है लाल रंग। कहा जाता है कि जो लाल रंग है वो प्यार का, प्रेम का प्रतीक है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर यहाँ आकर ये महसूस कर रहा हूँ कि जो लाल रंग है ये सेवा का, देशभक्ति का और जुनून का और जज्बे का प्रतीक है। तो सबसे पहले तो रियल सैल्यूट यहाँ पर आप सभी जो है यार सोसाइटी के मेम्बर्स को। और आखिर में जाते जाते ज़्यादा मुझे लगता है वक्त अब बचा नहीं है कुछ कहने के लिए, तो गुलाब दान पर मत जाइए, रक्तदान पर जाइए और 14 फरवरी का दिन जो है वो रक्तदान करके मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।
यार्स सोसाइटी से जुड़े स्टैंड अप कॉमेडियन रंजीत भैया इंदौरी की माने तो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप समय समय पर ब्लड इकट्ठा करता है और उन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि मैं रंजीत भैया इंदौरी हूँ और एक्चुअली ये जो ग्रुप है ये इन बच्चों ने बनाया था और रंजीत भैया इंदौरी को जैसे ही प्रतिष्ठा मिली बच्चे मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि भैया आपको सहयोग करना है। मैंने ग्रुप के बारे में देखा कि बच्चे जो थैलेसीमिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप उन बच्चों के लिए समय समय पर ब्लड इकट्ठा करता है और उन तक पहुंचाता है। तो आज का जो कार्यक्रम है एक्चुअली हम लोग युवाओं को देख रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं और काफ़ी गंदगी भरा माहौल बोल सकते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि हम किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते क्योंकि सभी लोग अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी से जी सकते हैं। लेकिन हमने यानी कि यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप ने ये फैसला लिया कि आज का दिन काफ़ी सारे लोग ये भूल जाते हैं कि 14 फरवरी 2019 के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे पता नहीं कितने सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी मातृभूमि की सेवा करते हुए। तो उन्हीं की याद में हमने आज ये ब्लड डोनेशन ग्रुप का कैंप का आयोजन किया है और युवाओं तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे को आप उस तरीके से मनाओ, रोमांटिक तरीके से देश की सेवा करके भी इस दिन को मना सकते हैं। तो आज का दिन शहीदों के सम्मान के लिए है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और समय समय पर यार्स ब्लड डोनेशन ग्रुप इस तरह के कार्य करता रहेगा। इस दौरान ब्लड डोनेशन कार्यक्रम से जुड़कर बड़ी संख्या में युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।